कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को यूवी सेमेस्टर 2 ग्लोबल सिटीजनशिप का पेपर जो आपका एग्जामिनेशन हुआ है वो पेपर तो ग्लोबल सिटीजनशिप का नहीं बल्कि जेपीएससी का पेपर था। आपने जेपीएससी का एग्जाम दिया होगा, ठीक है। एक प्रकार से अभी आप लोग ग्रेजुएट नहीं हो लेकिन आपको जेपीएससी के लेवल का क्वेश्चन आपको दे दिया गया हो, जिसमें से बहुत से बच्चों का मैंने मान के चलता हूँ 90% बच्चों को देखिए क्वेश्चन नहीं बना होगा। क्यों? क्योंकि इसका बेसिकली नॉलेज कहता है मेरा कि अगर आप कोई भी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो ही जान सकते हैं, अदरवाइज इतना हार्ड लेवल का क्वेश्चन तो बहुत ही लंबा समय बन पाएगा। क्योंकि हर क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले अपने समझ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि जेपीएससी कह सकते हैं कि अगर आप कोई भी सर्विस कमीशन की अगर एग्जामिनेशन तैयारी करते हैं तो ही आपको इस पर नॉलेज हो सकता है। उसी आधार पर हमारे यूनिवर्सिटी ने आपके लिए क्वेश्चन डिजाइन किए, तो चलिए मैं आपको सभी का आंसर के बताता हूँ। आप लोग मिला लीजिएगा, उसके बाद बात हम लोग जरूर करेंगे इस मैटर पर कि यूनिवर्सिटी वाला करना क्या चाहता है, भाई सब बातें करेंगे। फिलहाल आप लोग आंसर की मिला लीजिए। पहला जो सवाल है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन के बारे में, जो आंसर होगा इसका 1 का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये हमारे पास ये राइट आंसर है जिन्होंने मुझे क्वेश्चन पेपर भेजा। 21st सेंचुरी एजुकेशन वेक्टर बेसिकली डिपेंड करता है, ठीक है, किस पे टेक्नोलॉजी नहीं इंक्लूड होता है तो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, इसमें कौन सा शामिल नहीं है तो ये नहीं होगा। फिर अगला है 4 जो सी है बेसिकली वो होते हैं हमारे, याद रखिएगा, कम्युनिकेशन, कोलेबरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इसका, कहाँ चला गया आंसर, ये वाला डी नंबर एकदम सही है, ठीक है। देखिए कुछ कुछ सवाल के आंसर अगर आपको लगता है गलत, क्योंकि भाई मैं भी इतना 50 क्वेश्चन बनाते बनाते मुझे सोच में पढ़ना पड़ा, एक एक क्वेश्चन को देखिए डीपली पढ़ना पड़ा तभी जाके सभी क्वेश्चन बनता है। सस्टेन डेवलपमेंट गोल, देखिए ये जो सवाल है ये बेसिकली पता है इसका ऑप्शन मेरे हिसाब से ए और सी दोनों सही होता, लेकिन यहाँ पर बी और सी यूनिवर्सिटी वालों ने कैसे दे दिया भगवान जाने। मेरे हिसाब से देखिए भाई ये भी सही है, मैंडेटरी करिकुलम में जिसका 17 ऑब्जेक्टिव, ये भी सही है, ये भी सही है। अब बताइए कौन सा ऑप्शन टिक किया जाए भाई, इस हिसाब से तो ये ऑप्शन बेटर है, जैसा ये और ये गलत होगा ये सही मेरे हिसाब से, ये भी सही है, ये भी सही है, पहले बता दे रहा हूँ, लेकिन जो यूनिवर्सिटी साइड पिकअप करेगा तो सी नंबर पिकअप करेगा। 6 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला ऑप्शन। 7वां नंबर का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिला लीजिएगा, बिकॉज ग्लोबल सिटीजनशिप पार। अब बोलिए सर क्वेश्चन समझा नहीं दे रहे, भाई इतना हार्ड लेवल का क्वेश्चन दिया बना समझाऊंगा तो भी आपके दिमाग से ऊपर उड़ जाएगा। क्योंकि बच्चों से मैंने बात भी की, बच्चों का रिस्पॉन्स भी आया कि सर पढ़ा कुछ आया कुछ, बहुत डीप लेवल का क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है, इसलिए मैं समझा नहीं रहा हूँ आपसे बच्चों को। जरूर हम लोग चर्चा करें, आप चिंता ना करें, शिक्षा मॉडल के बारे में क्या सही नहीं है तो ये डी नंबर हो, कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा। तो क्वेश्चन 9th का आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या ग्लोबल सिटीजनशिप रिलेटेड है, तो इसका जवाब है देखिए यस, इसके 4 जो SDG नंबर 4 है मतलब सस्टेन डेवलपमेंट फोल है वो क्वालिटी एजुकेशन पे बात करता है, ठीक है, तो ये ए नंबर एकदम परफेक्ट इसका 9th का। ए 10th का जो होगा आंसर वो हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, ये वाला आंसर इसका राइट है। अगला हमारे पास 11th नंबर, 11th नंबर कौन सा ग्लोबल इशू नहीं है पूछा गया, तो उसका आंसर ए नंबर सही है, सॉरी ए नंबर सही, इट कैन बी रिजॉल्व बाय स्पेसिफिक कंट्री, ये सही नहीं है बताना, ठीक है। 12 नंबर जो सवाल है वो एकदम सही है ग्लोबल कम्युनिटी से, देखिए कुछ कुछ सवाल मेरे PDF या सवाल से बताए गए हैं ये मैं जानता हूँ, और जो बच्चा देखिए सुन रहा होगा वीडियो वो जो वीडियो पे से सुन रहा हो ग्लोबल सिस्टम है वो कुछ ना कुछ बना के जरूर आया हो, ठीक है। ये सब सवाल जैसे ग्लोबल सिटीजनशिप पॉसिबल ये वाला पता क्या होगा कोलेबरेशन वाला होगा, ये बहुत डीप लेवल का सवाल जब पूछा था एग्जाम में ना तब आता है ये सब सवाल, और ये सब सवाल कहाँ से आया ये भी मैं आपको बताऊंगा, किस बुक से उठाया गया टारगेट करके ये भी बताया जाएगा, चिंता ना करें आप लोग। 13th का क्या हो जाएगा बी नंबर इसका राइट आंसर। 14th का जो आंसर होगा वो मिला लीजिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए होगा, ये वाला, ठीक है, इसमें पूछा नहीं है, ठीक है, नहीं वाला पूछा गया था। 15 नंबर देखिए इसका जो आंसर मैं बता देता हूँ, ये सर ये मुझे पता नहीं, ये इंटरनेट पे मुझे नहीं मिला, इसका मतलब क्या होता है। तो 35 का देखिए जो ये जो डी लिखा हुआ नहीं है पेनपस होता क्या मुझे खुद नहीं मालूम, इसलिए मैंने इसको टिक किया, ये मुझे नहीं पता सही बता रहा हूँ। 16 नंबर का जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर मिला लिया डी नंबर, कहाँ चला गया ये देखिए PDF में थोड़ा सा बनाया गया ऊपर नीचे, ठीक है, तो एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। 17 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा सी नंबर, इक्विटेबल बराबर सोशल प्लस इकोनॉमिक सस्टेन डेवलपमेंट, सॉरी सस्टेनेबिलिटी। 18 नंबर का जो आंसर होगा 1987 एकदम राइट है, ठीक है। फिर 19वां नंबर जो है ये 1992 में होगा, 19 का मिला लीजिएगा डी नंबर। फिर 20वां नंबर जो सवाल है उसका जो आंसर हो जाएगा ये वेस्ट स्टोरेज के रूप में काम आता है, जो माइनिंग के बाद जो जगह रहता है उसको इस रूप में हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, तो 20 का डी हो जाएगा। फिर कौन सा सब पैरामीटर नहीं है पैरामीटर, तो ये वाला इंटर जनरेशनल एंड इंटर जनरेशनल इक्विटी, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। 22 का जो ये वाला ऑप्शन एकदम राइट है, 22 का ए नंबर, 22 का मिला लीजिएगा ए नंबर इसका राइट है। फिर अगला हो गया हमारे पास 23 नंबर, इफ़ यू डोंट, अच्छा ये वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा बच्चों हमारे पास मिला लीजिएगा सी नंबर,
कहाँ चला गया इस पीडीएफ में, देखिए ये बोला वाइबल बराबर मतलब व्यवहार बराबर सोशल प्लस इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी ठीक है। 24वां नंबर जो सवाल है ये इसका मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए ये बोथ वाला सवाल है सर। अच्छा देखिए ये बोला ये एक और दो मुझे सही लग रहे हैं, बाकी तीसरा कथन मुझे सही नहीं लग रहा इसलिए मैंने यहाँ पर सी नंबर पिकअप किया है। 25वां नंबर एजेंडा 21 याद रख लीजिएगा, ये बेसिकली किस पे था तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे डिपेंडेंट था ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 25 का सी नंबर राइट आंसर होगा। 26वां नंबर जो होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ठीक है, तो इसका मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए 27 नंबर का हमारा, तो मिलाइएगा आप लोग बी नंबर, ये 1, 2 और 3 सही लग रहे हैं मुझे। 26 का बच्चों मुझे गलती से निकल गया, 26 का ए नंबर मिला ठीक है, एक और दो कथन सही है। 27 का आंसर जो होगा वो होगा बी नंबर इंटर एंटर इक्वलिटी वाला। 28 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ये वाला, कहाँ चला गया ये ऑल ऑफ द, ये सभी कथन सही लग रहे हैं। फिर 29वां नंबर जो इसका आंसर होगा वो मिला लीजिएगा आप लोग ए नंबर, इन्वायरमेंटल साइंस के फैक्टर के अंतर्गत आता है सस्टेनेबिलिटी ठीक है। और 30 नंबर जो हमारा आंसर होगा कि अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन द फॉलोइंग आर द सिग्निफिकेंट इशूज ऑफ सोशल प्रोग्रेस, तो इसका राइट आंसर मिलाइएगा 30 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी लिविंग स्टैंडर्ड, मेरे हिसाब से राइट आंसर होना चाहिए। 31 का तो जानते हैं टोटल 17 SDG है, ये तो हर बच्चा सही करके आया मुझे उम्मीद है। फिर ये कब अडॉप्ट किया गया था स्कूलिंग किया गया था तो 2015 से शायद 2014, हाँ 2015 से लिखा, हाँ 2014 ये राइट टाइम था इसका। एजेंडा 21 किससे था तो पीपल प्लैनेट वेल्थ प्लैनेट्स एंड कोलैबोरेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी टिक करिए, सॉरी ऑप्शन नंबर सी टिक करिएगा। 34 का टिक कर लीजिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर ए, ये वाला हो जाए 34 का ऑप्शन नंबर ए। 35वां नंबर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास, इसका मेरे हिसाब से चला जाए तो इसका मुझे कोई भी कथन सही नहीं लगा इसे मैंने डी टिक करूँगा। 36 का हो जाएगा रिवर्सिबल एंड फ्लेक्सिबल। 37वां नंबर जो सवाल है उसका देखिए ये वाला ऑल ऑफ द वो मुझे सही लग रहा है, और जो 38वां नंबर सवाल है ये वाला सर इसका ये होगा 38 का बी। 39वां नंबर कटिंग एज टेक्नोलॉजी होगा ये मालूम है, ये सियोर 39 का सही है। फिर फर्स्ट मूव ये वाला हो जाएगा, ये स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था जो मैंने आपको बताया सुबह के वीडियो में कि यहाँ से सवाल आएगा, तो आ गया देखिए 40 का ए नंबर, 39 का हमारा क्या हो गया ए नंबर ठीक है, और 40 का भी ए हो गया। फिर हमारा 41 नंबर जो होगा देखिए इसको कहा जाता है पता है कि इसमें सवाल दिया हुआ मैं दिखा देता हूँ, ये वाला गरीब होता है ट्रांसियंट पुअर होता है इसका एग्जाम्पल, लेकिन ये ऑप्शन में है नहीं इसलिए ना तो अभाव होगा इसका आंसर। और 42 नंबर जो होगा वो 49 से जो नीचे आते हैं ये अलग तो सही लग रहा है मुझे 42 का डी। फिर 43 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा फुल फॉर्म पूछा गया तो मॉनेटरी सॉरी मंथली, एक मिनट हो जाएगी बच्चों, 43 का जो आंसर होगा पता है ये गलत दिया हुआ है मेरे हिसाब से, इसका होता है मॉनेटरी पर कैपिटा एक्सपेंडिचर होता है, और ये वाला ऑप्शन में नहीं इसलिए ये वाला ऑप्शन होगा पता है, इसका आंसर ये होगा आप लोग इसका सही रखे याद रखिएगा ठीक है। 43 का सी, 44 का देखिए ये दोनों सही है तो करेक्ट हो जाएगा जिसे रोजगार मिलता है, और 45 का मुझे दोनों कथन गलत लगे इसलिए मैंने ये टिक किया 45 का डी। 46 का हो जाएगा ये सभी कथन फ्लोरेंस दिक्कत करते हैं तो डी हो जाएगा। 47 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, क्यों, क्योंकि देखिए ये जो यहाँ बता रहे हैं कौन सा कथन सही, भाई वर्ल्ड बैंक जो रिटेलर्स को क्यों लोन देगा, वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूशन सिर्फ जो अब्रॉड में रहते हैं उन्हीं को देगा विदेशों में नहीं, जिसको जरूरत नहीं ऐसे कैसे कि मुँह उठा के सब चल जाए, नहीं मुझे लगता है मेंबर्स कंट्रीज को देता है, ये चारों कथन में सबसे कथन, लेकिन ये भी परफेक्ट आंसर नहीं पहले बता दे रहा हूँ। 48 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बायर्स मार्केट याद रखिएगा, जो क्रेता बाजार हो गया। 49 का जो EU का हो गया वो हो जाएगा ऑल द EU मेंबर्स, ये तो करंट का इशूज जोड़ गया या जाना नहीं चाहिए था एग्जाम में लेकिन दे दिया गया। इंटर और 50वां नंबर होगा सी नंबर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो मैंने बताया था कोपेन हैग यानी हैग जिस में रहते हैं बेसिकली उस नीदरलैंड की राजधानी वहाँ पर है। तो ये मैंने टोटल आपको सभी के आंसर के बता दिया, बाकी इस पर चर्चा जरूर करेंगे किस प्रकार के आपके एग्जाम में सवाल आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी पर जरूर हम लोग सवाल करें, चिंता ना करें, आप लोगों के विचार भी हम जरूर सुनेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, फिलहाल आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जवाब बताइए कितना सही कितना गलत, मिलते हैं नेक्स्ट पे, और तब तक अभी आप सही बच्चे अपना जो अगला एग्जामिनेशन है उस पर तैयारी करें ठीक है।